हे हेलो गाइस, स्वागत है आपका द टॉपर साइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द रोड नॉट टेकन पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों, जो पहला स्टेंजा है यहाँ पर, पोइट बताते हैं कि जब वो ट्रेवल कर रहे थे, चल रहे थे, तब उनके सामने एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो रास्ता था, जो रोड था, वो दो रोड में बिखर रहा था, वो डाइवर्ज हो रहा था दो नए वेज में। जैसे कांटा देखा है ना, कांटा जो पकड़ते तो वो एक होता है, जब नीचे जाते हो तो पांच छह लाइनें बन जाती हैं, वैसी कुछ इनकी हाल थी यहाँ पर। पोएट सोच रहे थे कि मैं भाई एज अ ट्रेवलर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं दोनों ही रास्तों को ट्रेवल कर सकूं। यहाँ पर दो रास्ते जो हैं ये बता रहे हैं कि जिंदगी में दो वेज हैं। भाई जिंदगी में हम एक ही रास्ता को चुन सकते हैं, दो रास्ते को नहीं चुन सकते हैं। क्या आप एक साथ हर काम नहीं कर सकते? एक वक्त में आपको एक ही चीज़ को चूज़ करना होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे मैथ्स लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, कि मुझे क्या लेना है। ये पहले तो सोचते कि ऐसा भी देखो, दोनों ही रास्ते ट्रेवल कर लेते हैं, क्यों ना हम दोनों ही रास्ते ट्रेवल कर लें। लेकिन फिर कहते नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो मतलब करने लायक नहीं है, मतलब होना मुश्किल है, नामुमकिन सा है। फिर यार वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा यार कौन सा रास्ता चूज़ करें, एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं पहले वाले रोड को, देखते हैं कि यार पहला वाला जो रोड है वो काफ़ी अंडरग्रोथ है, मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर अंडरग्रोथ का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा डेंस भरा पड़ा है पेड़ पौधों से, मतलब कि वो जो रोड है वो अननोन वर्ल्ड है। यहाँ पर अंडरग्रोथ जो है वो अननोन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो रास्ता किधर जाएगा, उसके बारे में उन्हें कुछ खास पता नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। पोएट जो है क्लियर करते कि नहीं, हाँ मुझे उस रोड पर चलना है। किस रोड पर? जब उन्होंने भाई पहली नज़र पड़ी, जब उन्हें पहली नज़र में देखा कि अरे इस रोड पर तो कम लोग चले हुए हैं, मतलब दूसरी वाली रोड पर। कुल मिलाकर बात ये करना चाहते हैं कि जो दूसरी वाली रोड थी उस पर तो लोग कम चले हैं, तो कहते कि मुझे इसी पे चलना चाहिए, इसी रोड को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब देखो ये सजेस्ट क्या करना चाहते हैं इस स्टेंजा के थ्रू, इस स्टेंजा के थ्रू जो पॉइंट है वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट थी। इंडिपेंडेंट का मतलब कि सब लोग भीड़ में भागते हैं, सब लोग भीड़ में भागते हैं तो क्या है, भीड़ में साहस मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अकेले चलना, यहाँ पर जो ना स्पिरिट, इसको वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्पिरिट, साहस, अकेले चलने का साहस। वो नहीं चाहते थे भीड़ को फॉलो करना, उनके अंदर इंडिपेंडेंट स्पिरिट थी, अकेले चलने की साहस थी, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लग रहा था कि लोगों ने बहुत कम चला है। मेरे दोस्तों, ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। आप क्राउड के पीछे मत भागो, आप सही चीज़ के पीछे भागो। लेकिन भाई अभी मैंने बोला कि यार पहली नज़र में उन्हें लगा कि नहीं वो रोड, दूसरा वाला रोड जो है लग रहा है कम लोगों ने चला है, तो चलते हैं उसी पे चलते हैं। लेकिन फिर जब उनका माइंड चेंज हो जाता है कुछ देर बाद, वो कहते हैं अरे ये क्या यार, दोनों ही रोड तो लग रहा है कि यार दोनों रोड पर तो इक्वली चला गया है, इस पर भी कुछ लोग गए हैं, इस पर भी कुछ लोग गए हैं, अब तो कंफ्यूज हो गए किस पे जाएं, पहले पे जाएं या दूसरे पे जाएं। जब वो परेशान हो गया यार, क्योंकि दोनों ही रोड लग रहा है कि इक्वली चला गया है, लग रहा है इससे ही बराबर लोग गए हैं और दूसरे वाले में भी बराबर लोग गए हुए हैं। अब तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे स्टेंजा में पहले बताया गया कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो दोनों ही रोड को तो बराबरी तरीके से ढकी हुई हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है और इस टाइम किसी ने भी अभी तक इन पर चला नहीं है। ये जो पत्तियां हैं वो एकदम अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब इनके ऊपर अभी किसी ने पैर नहीं रखा है, इसलिए कंफ्यूज है कि किधर जाएं। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर आपको लाइफ लेसन दिया जा रहा है। लाइफ लेसन का मतलब यहाँ पर ये यह बताया जा रहा है कि जो पोएट है वो कंफ्यूज है। यहाँ पर हमें सिम्बलाइज किया जा रहा है चॉइस। जिंदगी में कई बार ऐसे चॉइसेस आते हैं जहाँ पर हम अननोन होते हैं, यहाँ पर पोएट भी अननोन है कि कौन सा रास्ता कितना चला गया कुछ नहीं पता। मतलब आपके सामने कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ पता नहीं होता है, कि मतलब कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन आपको किसी एक रास्ते पर चलना तो पड़ता ही है। जैसे आपको नहीं पता साइंस में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, लेकिन अभी आपको बोल दिया जाए किसी एक को सेलेक्ट करो, तो आप तो यार कंफ्यूज हो जाओगे किसे सेलेक्ट करें। बस वही चीज़ बताई जा रही है कि लाइफ में हमें कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब हम उससे एकदम अननोन होते हैं, हमें पता नहीं होता वो क्या है, लेकिन हमें
किसी न किसी पाथ को सिलेक्ट करना होता है। फिर क्या, फिर वो कहते नहीं भाई देखो वही रोड पे चलूंगा जो मैंने पहले सोचा था। कौन सी रोड पर? जिस पे कम लोग चले हैं। वो कहते कि भाई ऐसा है, देखो जो दूसरा रोड है ना वो मैं किसी और दिन चलूंगा, मतलब आज मैं दूसरा वाला रोड चल ले रहा हूँ, मतलब लेकिन जो पहला रोड है वो मैं किसी और दिन चल लूंगा। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको एक और लाइफ लेसन दिया जा रहा है, इस चीज़ को सिम्बलाइज किया जा रहा है ये कि वो दूसरी चॉइस कर लेंगे लाइफ में अगर वो पहली चॉइस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो मतलब आपने कॉमर्स ले लिया और आपको कॉमर्स सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप बाद में ह्यूमैनिटीज ले लो, आप मैथ्स ले लो, आप साइंस ले लो। अगर आपको पहले वाले से रिजल्ट अच्छा नहीं दिखता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, सही नहीं लगता है डिस्टेंस, तो आप दूसरा रोड ले लेना। लेकिन फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो कभी ऐसा वक्त आएगा ही नहीं कि मैं फिर से इस रास्ते पर वापस आऊँगा और कहूँगा चल भाई अब इधर से चलो, दूसरे रास्ते से चलो, ऐसा तो होगा ही नहीं। अरे आज आप क्लास 10th पढ़ के 11th में जाओगे, आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, क्या जिंदगी में फिर से वो मौका आएगा कि फिर से आप 9th पढ़ के फिर से क्लास 10th से पढ़ के 11th में जाओगे और इस बार आप कोई और स्ट्रीम लोगे? ऐसा तो होना नहीं है, लाइफ में एक ही बार आएगा ये मौका। वो इस चीज को भी देखते हैं कि यार ये रास्ता तो फिर वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी एक रास्ते पे गया तो वो रास्ता किसी और रास्ते में टूट जाएगा, फिर मैं किसी और रास्ते में जाऊंगा तो फिर वो रास्ता किसी और रास्ते में टूट जाएगा और ये सिलसिला चलता ही रह जाएगा। इस बात पर वो बोलते हैं कि भाई अब आगे तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी कि मैं दूसरे अदर रोड को भी ले सकूँ, उस रोड को भी ट्रेवल कर सकूँ। मतलब ये बोला जा रहा है कि वो सेकेंड चॉइस अपनी ज़िंदगी में सेकेंड चॉइस कभी कर ही नहीं सकते हैं। आपने कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स पढ़ के आप आगे बढ़ोगे, आप आगे कुछ और पढ़ोगे, आगे कुछ और पढ़ोगे, आगे कुछ और बन जाओगे, फिर आप वापस नहीं आओगे इस रास्ते में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सेकेंड चॉइस कभी कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। अब चौथी स्टेज में यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद जो पोएट है वो दूसरों को बताएंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या चॉइसेस किए जिसकी वजह से आज ये वो इस परिणाम में है। मतलब कि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लिया है वो सभी डिसीजंस वो बात करेंगे, वो बताएंगे दूसरों को, जैसे आपके बड़े दादा पापा बताते हैं कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे किया था। या तो वो अगर वो सही डिसीजन करते हैं तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर अगर वो गलत डिसीजन कर लेते हैं तो उन्हें रिग्रेट फील होगा। रिग्रेट का मतलब पछतावा फील होगा अपने डिसीजन पर। अब छोड़ो ना यार, गलत हो या सही हो, डिसीजन डिसीजन होता है, हर डिसीजन का हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही हम फेल हो या पास हो, उनका हमारे लाइफ पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो कभी भी अगर ज़िंदगी में कुछ गलत हो तो ये मत सोचना कि तुम हार गए हो, क्योंकि कभी ज़िंदगी में हारते नहीं है यार। ये माइंडसेट को चेंज कर लो, हारना नहीं, तुम कुछ हारते भी हो तो उससे तुम कुछ सीख कर आते हो। तो इसीलिए कुछ भी जिंदगी में नया करने से पीछे मत हटना, क्योंकि अगर तुम हारोगे तो हार के भी तुम कुछ सीख लेकर जाओगे। यहाँ पर यही बात कही गई है, चाहे वो राइट डिसीजन हो चाहे वो रॉन्ग डिसीजन हो, उससे हमारी जिंदगी पर इफेक्ट पड़ता है। गलत डिसीजन भी हमें एक्सपीरियंस देता है जिससे हम नेक्स्ट टाइम सही डिसीजन कर पाते हैं। मेरे दोस्तों ये काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन क्या करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, उसे थोड़ा लंबा बना दिया वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए हो तो यार प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को।